discuss with you why power sharing is desirable and forms of power sharing. इसमें मैंने आपके साथ discuss किया था horizontal and vertical power sharing, then power sharing by political parties, power sharing by pressure groups, and some of the you can say in VIPs, ultra rich people in the country, जो कि direct लोकसभा राज्यसभा में नहीं जाते, लेकिन अंबानी, अडानी, बिरला, टाटा, वाडिया का कहीं ना कहीं रोल है लॉ मेकिंग में इनडायरेक्टली. तो ये भी एक तरह से प्रेशर ग्रुप्स है, इंटरेस्ट ग्रुप्स है, तो ये भी कहीं ना कहीं पावर शेयर करते हैं. ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज फेडरलिज्म. फेडरलिज्म का मीनिंग पहले आप करते थे व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म, अब आपने स्टेटमेंट को रिकॉग्नाइज करना. सबसे पहले मीनिंग शुड बी क्लियर. अगर ये होगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंटर एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. वेरियस यूनिट्स का मतलब कोई भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, स्टेट से आगे भी हो सकता है. हमारी कंट्री में सेंटर एंड स्टेट है, किसी किसी कंट्री में कुछ और सिस्टम हो सकता है जिसमें एक सेंटर गवर्नमेंट होती है एंड नंबर ऑफ एरियाज आर डिवाइडेड. हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, कहीं पे स्विट्जरलैंड में इसको कैंटन्स कहते हैं, कहीं में डचेस कहते हैं, कहीं पे ये जो है वो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं इनके. तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो फेडरल सिस्टम जो है वो बनाया जाता है. ठीक है, सो अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंटर एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. ठीक है, यूजली जो फेडरेशन होती है इट हैज टू लेवल. तो इसके लिए आपको दो तरह की डेफिनेशन आपको याद करनी है, व्हाट इज द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड व्हाट इज द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पे सेंटर गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होती है, जैसे हमारी कंट्री है जहाँ पे सेंटर गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है. अब कंट्रीज के नाम लिखो आप, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी कंट्रीज में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. चाइना, चाइना, यूके, जापान, दीज थ्री कंट्रीज हैविंग यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, चाइना, यूके एंड जापान. एंड फेडरल की बात करें तो SBI, ऐसे लर्न करो फेडरल, SBI बैंक नहीं लिखना, क्या लिखना है, एस फॉर फेडरल में लिखो, एस फॉर स्पेन, बेल्जियम, इंडिया, एस फॉर स्पेन, बेल्जियम, इंडिया, SBI, तीन तीन फेडरल कंट्रीज कोई भी याद रखो, स्पेन, बेल्जियम, इंडिया. USA भी फेडरल में आता है, लेकिन हमने मतलब मेन अपनी बुक के अकॉर्डिंग आपने बताना, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आएगा. ठीक है, ऐसा नंबर ऑफ कंट्रीज आर देयर. ठीक है, अब आप आगे हम करेंगे कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर, इसमें जो कंट्रीज हैं उन्हीं को रिकॉग्नाइज करना. ठीक है, सपोज आगे हम पढ़ते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन. पहले याद रखो फेडरलिज्म का मीनिंग, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, व्हेन पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. आगे अगर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंट्री में दो तरह की हो सकती है, यूनिटरी एंड फेडरल. यूनिटरी का मतलब क्या होता है, जहां पे सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट है. फेडरल का मतलब होता है जहां पे एट अ टाइम दो गवर्नमेंट होती है, सेंटर की अलग और स्टेट की अलग. तो यूनिटरी तो हमने जस्ट पढ़ के इतना ही छोड़ देना कि जहां पे सेंटर गवर्नमेंट होती है. हमारा चैप्टर है फेडरलिज्म, हमने उसको आगे डिटेल में करना है कि फेडरलिज्म जो है इसके आगे दो रूट है. रूट का मतलब कैसे फेडरेशन बनी होगी, इसका बेस्ट एग्जांपल है. पहले वैसे आप इंडिया और यूएसए को अगर हम कंपेयर करें, यूएसए को कंपेयर करें तो आपको यूएसए की हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि अमेरिकन सिविल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1775, ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड अमेरिका गेन्ड फ्रीडम फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश. ठीक है, आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि फ्रांस ने ब्रिटेन को सपोर्ट किया था, दोनों का कॉमन एनिमी था ये. ठीक है, तो जब अमेरिका ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिशर्स जो है, ठीक है, उनसे उनको इंडिपेंडेंस मिली, एट दैट टाइम इन अमेरिका नंबर ऑफ स्टेट्स वर सेपरेट सेपरेट एरियाज वर एंड एट दैट टाइम दीज स्टेट्स वर यूनाइटेड एंड दैट्स व्हाई इट गॉट इट्स नेम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अब फेडरेशन, जिस फेडरेशन में सभी पावर्स को इक्वालिटी होती है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, उसमें एग्जैक्टली 50 स्टेट्स हैं. कभी नेट में सर्च करना लिस्ट द कंट्रीज, जितनी भी यूएसए में जितनी कंट्रीज हैं, ठीक है, यानी कि यूएसए वैसे कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स आ दो, जस्ट इतना सर्च करो नंबर ऑफ स्टेट्स इन यूएसए, तो मोर देन मतलब जो है वो 40-45 स्टेट्स के नेम आ जाएंगे. अब ये स्टेट्स जो है इनकी एक कंबाइंड पार्लियामेंट है,
बट यहाँ पे सिस्टम क्या रखा गया है, इक्वालिटी इज गिवन टू ऑल द स्टेट्स, यानी कि जितनी भी स्टेट्स हैं उनके इक्वल मेंबर्स होंगे, दैट इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ऐसी फेडरेशन को इसलिए बनाया गया ताकि अगर ये अलग अलग होते तो ब्रिटेन कभी भी इनको फिर से क्या कर सकता था, कैप्चर कर सकता था। अब इन्होंने एक यूनाइटेड कंट्री बनाई, लार्जेस्ट कंट्री बनी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फेडरल फॉर्म में उसको बनाया गया, यानी कि वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। स्टेट्स अपना अपना जो है उनकी अपनी अपनी गवर्नमेंट है, सेंटर की अपनी गवर्नमेंट है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की पार्लियामेंट है, जिसके प्रेसिडेंट है बाइडेन प्रेसिडेंट है, उनकी जो पार्लियामेंट है उसमें जितनी भी स्टेट्स हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इक्वल है, दैट इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन। रूट का मतलब होता है ये फेडरेशन कैसे बने, पहले वो अलग अलग स्टेट्स थे उनको क्या किया गया, कंबाइन किया गया। अब दूसरी तरफ इंडिया, इंडिया भी फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है, लेकिन इंडिया को बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर। इंडिया पहले किसके अंडर था, ब्रिटिशर्स के अंडर था। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली, 15 अगस्त 1947। इंडिया पहले कंट्री बना और उसके बाद इंडिया ने अपनी स्टेट्स को डिवाइड किया और हर स्टेट को होल्ड करके रखा हुआ। इसका मतलब क्या है, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की जितनी भी स्टेट्स हैं उनको कंबाइन किया गया और सबको इक्वल पावर दी गई है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दैट इज मोर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है। एंड इसके अलावा नंबर ऑफ स्टेट्स आर देयर, नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज आर देयर, लेकिन जो स्टेट्स हैं दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंटर गवर्नमेंट एंड नंबर ऑफ एमपीज आर नॉट सेम। यूपी और पंजाब को कंपेयर करो, यूपी के मोर देन कितने एमपीज हैं, मोर देन 80 हैं, पंजाब के कितने हैं 13। और इससे ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि जब पार्लियामेंट की बात करें 543 मेंबर्स में सबसे ज्यादा एमपी किस स्टेट के होंगे, यूपी के, और पंजाब के कितने होंगे, कम होंगे। तो होल्डिंग टुगेदर का मतलब क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर में सभी स्टेट्स को इक्वल जो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये लॉजिक दिया मेकर्स ने कि यूपी का एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा होगा तो एमपी ज्यादा होने चाहिए और जहाँ एरिया कम होता है वहां के एमपी कम होने चाहिए। चंडीगढ़ यूटी है तो चंडीगढ़ का सिर्फ एक ही एमपी होगा दिल्ली में, ठीक है। ऐसे ही गोवा है, गोवा स्मॉलेस्ट स्टेट है तो उसके नंबर ऑफ एमपी कम होंगे, जितनी स्टेट का एरिया ज्यादा होगा उनके नंबर ऑफ एमपी ज्यादा होंगे। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए में जो कॉमन पार्लियामेंट है जिसके प्रेसिडेंट बाइडेन है, वहां पे जितनी भी स्टेट्स है ना यूएसए की सभी स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब अगर सभी स्टेट्स के 3 में एमपीज हैं तो सभी के 3 होंगे, कम या ज्यादा नहीं। तो अब यूएसए और इंडिया का एग्जांपल है, यूएसए इज एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड इंडिया इज एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। यूएसए की जो पार्लियामेंट है वो सभी स्टेट्स को इक्वालिटी देती है और बराबर है, लेकिन इंडिया की जो फेडरेशन है इसमें सेंटर स्ट्रांग है और स्टेट जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय सेंटर। हमारी कंट्री में जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं उनको गाइडलाइंस कहाँ से मिलती हैं, प्राइम मिनिस्टर से। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो पार्लियामेंट है वहां पे इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब होता है हर स्टेट जो है ऑटोनोमस है, नो डाउट दे आर कंट्रोल्ड बाय सेंटर गवर्नमेंट लेकिन उनके पास इक्वल पावर्स है। तो देयर इज अ डिफरेंस इन द कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब और भी कई कंट्रीज हैं उनके नाम लिखो, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड इज एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टूगेदर। मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, बुक में नहीं है। यूएसए इज डिवाइडेड इंटू 50 स्टेट्स, यूएसए इज डिवाइडेड इंटू 50 स्टेट्स। स्विट्जरलैंड जो है, स्विट्जरलैंड भी कमिंग टूगेदर है। स्विट्जरलैंड में फेडरल सिस्टम जो है, जैसे हमारी कंट्री में हम जिसको स्टेट्स कहते हैं, स्विट्जरलैंड में कहते हैं कैंटन्स, कैंटन्स, CANTONS, कैंटन्स। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टूगेदर। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया भी डोमिनियन स्टेटस किसके अंडर था, इंग्लैंड के। आज भी ऑस्ट्रेलिया में क्वीन जो है उसका रूल, क्वीन का रूल है, क्वीन को, क्वीन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, क्वीन को रिस्पेक्ट देते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया जो था दैट एक ऐसी कंट्री थी जो कितने सालों तक इंग्लैंड के डोमिनियन, डोमिनियन का मतलब क्या होता है, इंटरनल जो है गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलिया की थी लेकिन एक्सटर्नल कंट्रोल किसका था, ब्रिटेन का था, ठीक है। तो नो डाउट आज के टाइम पे में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर अलग हैं, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं डोमिनियन में वो ब्रिटेन की क्वीन जो है उसको अपना जो है वो मनार्की का स्टेटस या क्वीन का स्टेटस अभी भी देते हैं, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उनकी फैमिली के रिचुअल्स को सेलिब्रेट ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इज
इंडिया होल्डिंग टुगेदर में, इंडिया जो है, इंडिया की स्टेट्स 28 स्टेट्स, देन स्पेन एंड बेल्जियम, SBI, इंडिया स्पेन एंड बेल्जियम, ये हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल। इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू स्टेट एंड सम यूनिट्स आर गिवन स्पेशल पावर्स लाइक इन इंडिया। कुछ स्टेट्स को अलग से पावर दी गई है, फॉर एग्जाम्पल यूटी, यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ को अलग से स्टेटस दिया गया है। चंडीगढ़ जो है उसका गवर्नमेंट अलग है, चंडीगढ़ की गवर्नमेंट डायरेक्ट किसके कंट्रोल में, गवर्नर के कंट्रोल में, ठीक है। कुछ यूनियन टेरिटरीज को सेपरेट स्टेटस दिया गया है, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में इक्वल स्टेटस इज गिवन टू ऑल द यूनिट्स, जितने भी यूनिट्स है, सेम इन स्विट्जरलैंड एंड सेम इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ फेडरलिज्म। देन फीचर्स, फीचर्स की बात करें तो इसके फीचर्स, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपने सबने फीचर्स बताने थे, लेकिन अब हमने इसको 1 मार्क के अकॉर्डिंग करना है, तो आप सबसे पहले जो है इसके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स आप इसमें बताओगे। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, डिफेंस एंड बैंकिंग जो सब्जेक्ट्स हैं ये कौन सी लिस्ट में आते हैं, डिफेंस एंड बैंकिंग यूनियन लिस्ट। इस तरह के फेडरलिज्म के एग्जाम्पल याद करने हमने, ठीक है। पुलिस और एग्रीकल्चर किस सब्जेक्ट में आते हैं, किस लिस्ट में आते हैं, स्टेट। ऐसे दो दो सब्जेक्ट्स याद करो, डिफेंस एंड बैंकिंग यूनियन लिस्ट, देन पुलिस एंड एग्रीकल्चर किसके कंट्रोल में है, स्टेट। इसका मतलब क्या है, हमारी कंट्री की डिफेंस की पॉलिसीज या बैंकिंग की जो पॉलिसीज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, पार्लियामेंट। हमारी कंट्री में पुलिस और एग्रीकल्चर, जैसे पंजाब पुलिस अलग है, महाराष्ट्र पुलिस अलग है, तो ये किसके कंट्रोल में हुआ, स्टेट। पंजाब पुलिस को जो सैलरी मिलती है वो कौन सी गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है वो किसके अंडर है, स्टेट। अगर पंजाब में किसानों की इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो माफ कर दिया जाता है तो ये पंजाब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और ये सेंटर से क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, दे कैन मेक देयर पॉलिसी सेपरेट। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। देन थर्ड इज कंकरेंट, कंकरेंट में मैं हमेशा आपको बताती हूँ, इसका एग्जाम्पल याद करो, CBSE एंड पंजाब बोर्ड। कंकरेंट का मतलब क्या है, ऐसी लिस्ट जिसमें दोनों ही सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती हैं, लेकिन स्टेट किसको फॉलो करेगी, सेंटर गवर्नमेंट को। अभी आपका CBSE का सारा टर्म 1 टर्म 2 सिस्टम चेंज हो चुका है, CBSE स्कूल में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है, साथ ही साथ पंजाब बोर्ड भी इसको क्या करेगा, फॉलो करेगा, सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा। कहीं ना कहीं आपकी जो मैथ और साइंस की बुक्स हैं वो क्या है, सेम है, ठीक है। बाकी कल्चर या पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर या बाकी लैंग्वेज चेंज हो सकता है, लेकिन कुछ करिकुलम जो है उनको CBSE का फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। टर्म 1 टर्म 2 या MCQ बेस्ड जो पैटर्न है वो भी उसको फॉलो करेंगे। तो कंकरेंट में आता है एजुकेशन एंड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से रिलेटेड जो लॉज होते हैं। देन नेक्स्ट इज रेजिड्यूरी, रेजिड्यूरी जो लिस्ट है इसमें, हाँ इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और रेजिड्यूरी जो लिस्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद या इंडिपेंडेंस के बाद जो सब्जेक्ट्स उस टाइम पीरियड में जिनकी इंपॉर्टेंस नहीं थी, लेटेस्ट कितने ही सब्जेक्ट्स इसमें ऐड किए गए, फॉर एग्जांपल IT सेक्टर, साइबर लॉज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी एक्ट्स हैं या जो भी नए लॉज हैं वो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो सेंट्रल लिस्ट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट। थर्ड इज कंकरेंट, बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, लेकिन अगर कोई भी इशू होता है तो किसकी जो है अथॉरिटी जो है प्रिवेल होगी, सेंटर की। रेजिड्यूरी में सेंटर गवर्नमेंट, ठीक है। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, तो ऐसे आपको एग्जांपल आ सकते हैं लिस्ट में। सेकंड इज, पहले आपकी बुक में एक आर्टिकल था 370 जिसके अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर को सेपरेट स्टेटस दिया गया था, बट नाउ इट हैज बीन अबॉलिश। 370 अब इसको अबॉलिश कर दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर जो है अब क्या हो गई है, स्टेट नहीं है, अब क्या बना दिया इसको, यूटी बना दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक तरफ है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी तरफ है लेह लद्दाख, ठीक है। नेक्स्ट इज, एक और फीचर है हमारी इंडिया के फेडरलिज्म का, यूनियन टेरिटरीज। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और यूनियन टेरिटरीज जो है दीज आर डायरेक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जो है
वो किनसे रिपोर्टिंग लेते हैं? गवर्नर, गवर्नर से रिपोर्टिंग लेते हैं। नेक्स्ट इज हम इसमें बोल सकते हैं कि राइट ऑफ चेंजिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट, किसके पास राइट है? क्या एक के पास है, दोनों के पास है? कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का राइट जो है, अगर हमारी कंट्री में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्या एक सिंगल लेवल यानी कि अकेली स्टेट गवर्नमेंट या अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है? नो, आर कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी चेंज बाय एनी वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इट नीड्स अप्रूवल फ्रॉम ऑल द स्टेट्स। कैसे? हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी कोई भी अमेंडमेंट होती है, उस अमेंडमेंट के लिए सपोज कोई पार्ट चेंज करना है, सपोज ये चेंज करना है कि फंडामेंटल राइट में कोई और नया फंडामेंटल राइट एक और ऐड करना, तो इसके लिए पहले क्या होगा? बिल विल बी पास्ड इन लोकसभा और इन राज्यसभा, किसी में भी जा सकता है। देन इट विल बी पास्ड इन अनदर हाउस, इसको एक साल लग जाएगा। देन इट विल बी पास्ड बाय प्रेसिडेंट। देन इट्स अप्रूवल शुड आल्सो बी नीडेड फ्रॉम द ऑल द स्टेट्स एमएलएज। हर स्टेट यानी कि पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र में भी इस बिल को पास होना जरूरी है, अमेंडमेंट बिल। देन दैट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज। इट मीन्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। होल कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी चेंज। हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चेंज नहीं हो सकता पूरा, ओनली पार्ट कैन बी चेंज, बट विद अप्रूवल ऑफ बोथ एमपीज एंड एमएलए, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन कितनी कंट्रीज जो है इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, जैसे आपने 9th में पढ़ा था, मैक्सिको, जिम्बाब्वे, इवन पाकिस्तान, इनका पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर चेंज हो गया, फिर से नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। बट हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन एज सच है, नो डाउट सेवरल अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द सोसाइटी। दैट्स व्हाई वी कैन से आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, इट इज नॉट अ क्लोज बुक। नेक्स्ट, हमारी कंट्री के फेडरेशन को और क्या स्ट्रांग बनाता है? हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम। इसमें क्या है? कोर्ट्स हैव बीन सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स। लेवल्स का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, हाई कोर्ट एट स्टेट लेवल, एंड पूरे जितने भी हमारी कंट्री का जुडिशियल सिस्टम है दैट इज कंट्रोल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी आगे दो हैं, सिविल एज वेल एज क्रिमिनल। ठीक है, और स्टेट, हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है, पर जरूरी नहीं है कि हर स्टेट का हो, कई बार कंबाइन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल पंजाब एंड हरियाणा का क्या है? कंबाइन। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का अपना सेवन जो है, सेवन जिनको सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, उनका कंबाइन हाई कोर्ट है। ऐसे ही हमारी कंट्री में हाई कोर्ट की प्रोविजन भी की गई है, लेकिन मैंने आपको 9th में करवाया था कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस डायरेक्ट जाते हैं, सभी नहीं। कौन से केसेस जाते हैं? फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कोई होते हैं। अदरवाइज पहले कोर्ट जो है, वो जो केस है वो कहाँ पे जाता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फिर उसको अपील करेगा कहाँ पे? हाई कोर्ट। अपेलेट जुरिस्डिक्शन के अंडर फिर हाई कोर्ट आगे कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये थे हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स, और हम ये कह सकते हैं कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इट इज प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड, प्रैक्टाइज कैसे होता है। लॉन्ग क्वेश्चन में हमने इसके थ्री हेडिंग्स करवाए थे, है ना, तो 1 मार्क के अकॉर्डिंग या एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग इसको लर्न करो। हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टाइज इन आवर कंट्री, कैसे इसको प्रैक्टिस किए है, कैसे इसको प्रैक्टाइज किया गया है। इसके अलावा ना अपनी बुक को प्रॉपरली स्कैन करना है। स्कैन का मतलब क्या है कि ईच एंड एवरीथिंग वट एवर इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स या जो भी आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको भी प्रॉपरली रीड करना है। ठीक है, एनी क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम एनी पार्ट, फ्रॉम फर्स्ट वर्ड टू लास्ट वर्ड, मैं बार बार यही कह रही हूँ। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट इज हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टाइज लिंग्विस्टिक स्टेट्स। हमारी कंट्री जो है वो फेडरल है, इसका बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है कि हमारी कंट्री की एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर? 22, 21 रीजनल एंड 1 इज हिंदी। 22 टोटल लैंग्वेजेस कितनी है हमारी कंट्री में? 22 लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी कह सकते हो, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस भी कह सकते हो। एंड हियर इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस, यू कैन सी लिस्ट ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस जिनको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज या शेड्यूल्ड लैंग्वेज का स्टेटस दिया हुआ है। तो आप ये देखो कि इसमें मैं जस्ट लैंग्वेज बता देती हूँ आपको, आपको लैंग्वेज पता होनी चाहिए कि हमारी कंट्री की मेन जो लैंग्वेजेस है कौन कौन सी लैंग्वेजेस है। उर्दू है, उर्दू को भी दिया है,
तेलुगु है, तमिल, सिंधी, संथाली, संथाली मतलब ट्राइबल्स, जो ट्राइबल्स की लैंग्वेज है उनको भी इम्पोर्टेंस दी गई है। सो दैट अगर कोई भी ट्राइबल सोसाइटी से कोई भी पर्सन अगर अगर ऑल इंडिया लेवल का कोई भी एग्जाम देता है, रेलवे एग्जाम हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, कोई भी है, तो दे कैन ऑप्ट देयर रीजनल लैंग्वेजेस, देन संस्कृत, पंजाबी, उड़िया, नेपाली। अब नेपाली को भी आप देखो, ये भी तो याद रखो कि कई बार आपको केबीसी का क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेपाली इज द शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो बहुत से लोगों को लगा ये तो फॉरेन लैंग्वेज है, ये कैसे हो सकती है। वाई? बिकॉज मैनी रिफ्यूजीज फ्रॉम नेपाल दे केम इन इंडिया एंड दे सेटल्ड हेयर, सो दैट्स वाई दे हैव बीन गिवन द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, उनकी लैंग्वेज को भी शेड्यूल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया। मराठी है, मणिपुरी, मलयालम, देन मैथिली, कोंकणी, कश्मीरी, कन्नड़ा, हिंदी। तो हिंदी इज वन ऑफ द 22nd लैंग्वेजेस, जितनी भी टोटल हमारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। देन गुजराती, डोगरी, बोडो, बांग्ला एंड असमीज, ये हमारी टोटल शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। क्यों दी गई हैं? सपोज कल को कोई भी पर्सन बैंकिंग का कोई पेपर देता है ऑल इंडिया लेवल, या रेलवे का कोई पेपर है, तो उसमें इन्हीं लैंग्वेजेस में से ही कैन ऑप्ट एनी वन, ठीक है। तो इसलिए आप खुद सोचो कि 10th क्लास में आपको हिंदी का ऑप्शन साथ में क्या दिया है, कंप्यूटर। मीन्स सपोज अगर कोई पर्सन साउथ इंडिया का है, उसको हिंदी नहीं आती, तो ही कैन ऑप्ट एनी वन। इसका मतलब है कि हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इस चीज की नॉलेज थी कि आधा इंडिया जो है साउथ इंडिया, उसको हिंदी नहीं आती और प्रॉब्लम आएगी। सो दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, कितनी सारी लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया, ठीक है। तो श्रीलंका के साथ कंपेयर करो, श्रीलंका में ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, ओनली वन, सिंहला। बट इन आर कंट्री 22 लैंग्वेजेस, लैंग्वेज पॉलिसी यानी कि लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर हमारी कंट्री में रिप्रेजेंटेशन मिली। नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक स्टेट्स। इवन हमारी कंट्री में कल्चर, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी और लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर भी स्टेट्स बनाई गई। पहले पंजाब, हरियाणा और हिमाचल एक स्टेट था, 1 नवंबर 1966 को डिवाइड कर दिया और तीनों स्टेट्स को अलग अलग, यानी कि अलग अलग, पंजाब को अलग, हिमाचल अलग और हरियाणा जो है उसको अलग कर दिया। अर्लियर इट वॉज वन, मतलब पहले एक एरिया था, इंटीग्रेटेड एरिया था। महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पीरियड में पूरा कंबाइन एरिया था ये, लेकिन बाद में लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर, कल्चर के बेसिस के ऊपर इनको सेपरेट कर दिया ताकि लैंग्वेज के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए। अब अगर पंजाब में पंजाबी मीडियम स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चे अपनी मदर टंग पंजाबी में पढ़ते हैं, तो हिमाचल में क्या है, देयर ओन लैंग्वेज, एंड हरियाणा में क्या है, देयर ओन लैंग्वेज, दे कैन स्पीक। लेकिन साथ साथ सीबीएसई स्कूल्स भी हैं जिनमें इंटीग्रेटेड करिकुलम, ये पेरेंट्स के ऊपर है या फैमिलीज के ऊपर है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन। अब साथ साथ एक और बोर्ड भी है, तीन बोर्ड कंपैरेटिवली चल रहे हैं। सपोज अगर हम अपनी पंजाब की बात करें, एक तरफ है पंजाब बोर्ड, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं दीज आर रन बाय पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। देन सेकेंड इज सीबीएसई कंट्रोल्ड बाय दिल्ली, एंड थर्ड इज आईसीएस, जितने भी कॉन्वेंट स्कूल्स हैं। तो एट अ टाइम देखो, एजुकेशन का जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है वो साइड बाय साइड है, ठीक है। तो इसीलिए ताकि हमारी कंट्री में लैंग्वेज से रिलेटेड कोई इश्यूज ना आए। अब लैंग्वेज का इशू कब आता है, जब सपोज आपकी क्लास में कोई बच्चा देहरादून से आए या राजस्थान से आए, उसने पंजाबी नहीं पढ़ी, देर इज अ ऑप्शन। अब हमारी क्लास जैसे 9th का जो है, 9th में भी क्या है, अगर किसी बच्चे को पंजाबी नहीं आती है तो ही कैन ऑप्ट बोथ हिंदी एंड कंप्यूटर। तो जरूरी नहीं है कि सपोज अगर कोई और स्टेट से बच्चा यहाँ पे आता है, क्योंकि पूरे नेशनल लेवल पे कई बार क्या होता है, इंटर स्टेट ट्रांसफर होती है पेरेंट्स की, तो अगर वो इस स्टेट में आते हैं तो कंपलसरी नहीं है 10th में पंजाबी का पेपर जो है वो कंपलसरी नहीं है, दे कैन ऑप्ट हिंदी एंड बोथ कंप्यूटर। तो ऐसे में पंजाबी का पेपर नहीं देंगे, वो किसका देंगे, हिंदी और कंप्यूटर। क्लियर? लैंग्वेज के बेसिस के मतलब है कि हमारी कंट्री में लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर स्टेट्स बनाई गई है। एनी एग्जाम्पल यू कैन टेक, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, महाराष्ट्र में जाओगे तो वहां पे कंपलसरी क्या है, मराठी। सपोज अगर आप कल को बॉम्बे जाते हो, जॉब के लिए ऑप्शंस हैं आपको, लेकिन आपको वहां पे क्या सीखनी पड़ेगी, मराठी। साउथ में जाते हो तो वहां की लैंग्वेज आनी चाहिए जहाँ पे भी आप जाओगे, और उसके लिए क्या होता है, फिर बच्चे अलग से लैंग्वेज सीखते हैं। सपोज अगर जर्मनी में जाओगे, जर्मन जाओगे तो वहां पे क्या सीखोगे, जर्मन लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट इज सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन में आपने बताना है चेंजेस, 1990 के चेंजेस। 1990 से पहले क्या था, सेंटर गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट होती थी, सपोज अगर हम कांग्रेस की एग्जांपल लेते हैं, तो स्टेट्स में भी वही ट्रेंड होता था।
और ऐसे में पूरी कंट्री में एक ही तरह की गवर्नमेंट जो है वो चलती थी। लेकिन 1990 के बाद ट्रेंड क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, कोलिजन गवर्नमेंट का ट्रेंड है। जरूरी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एट प्रेजेंट अगर बीजेपी है तो पंजाब में क्या है, कांग्रेस पार्टी है। लेकिन 1990 से पहले ऐसा नहीं था। इसका मतलब है कि सेंटर स्टेट रिलेशन पहले पूरी कंट्री में ट्राई किया जाता था। लोगों का वोट डालने का स्टेटस क्या होता था, वो देखते थे कि सेंटर में कौन सी गवर्नमेंट है, अच्छा कांग्रेस की है, तो पंजाब में हम जो मर्जी लीडर खड़ा हो हम कांग्रेस पार्टी को ही वोट करेंगे, ताकि क्या रहे, यूनिफॉर्मिटी रहे। लेकिन अब आज के टाइम पर में लोगों का ट्रेंड चेंज हो चुका है, कोलिजन गवर्नमेंट का ट्रेंड है। तो लोगों को ये लगता है कि अगर सेंटर में कोई और गवर्नमेंट है, स्टेट में कोई और गवर्नमेंट हो सकती है, तो कॉम्बिनेशन का मतलब है कोलिजन गवर्नमेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज। कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिलकर मेजोरिटी प्रूव करती हैं, दैट गवर्नमेंट इज नोन एज कोलिजन गवर्नमेंट। और अब तो अलायंस का ट्रेंड है। अलायंस का मतलब दो मेन अलायंस याद करो, एनडीए एंड यूपीए। एनडीए, एनडीए जो है उसमें मेन पार्टी कौन सी है, बीजेपी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी। मतलब इसका मतलब क्या है कि अभी बीजेपी तो मेजोरिटी में है, लेकिन बीजेपी के साथ इस अलायंस में और भी पार्टीज हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करती हैं। सपोर्ट का मतलब है जब भी बिल पास होता है लोकसभा में, कोई भी बिल पास होता है, तो ये पार्टीज बीजेपी को सपोर्ट करती हैं, अलायंस है इनकी। दूसरी तरफ क्या है, ये जो कांग्रेस पार्टी जिसमें मेन है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अच्छा, पंजाब में पहले अकाली और बीजेपी क्या थी, गठबंधन था ना, अलायंस था, बट नाउ इट इज नॉट, है ना, अब अलग हो चुके हैं। ठीक है, सो दिस वाज द मेन यू कैन से प्रॉब्लम इन सेंटर एंड स्टेट। पहले होती थी तो जिसमें सेंटर में जो गवर्नमेंट होती थी, स्टेट में कई बार क्या होता, सेंटर में जो गवर्नमेंट होती है स्टेट में इमरजेंसी लगा के गवर्नमेंट को क्या कर देते थे, चेंज कर देते थे, और इस तरह से ट्राई करते थे कि जो सेंटर में गवर्नमेंट हो वो स्टेट में। पर अब आज के टाइम में ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। अच्छा, इसके अलावा एक और वन मार्क क्वेश्चन, पेज नंबर जो आपका नेक्स्ट है, सेम जो लैंग्वेज का जहाँ पे शेड्यूल दिया गया है, ठीक है, एसआरसी। एसआरसी क्या होता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बोर्ड या कमीशन। एसआरसी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, कौन सी डेट को बना था ये, 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को बना था। एंड इनका जो है वो मेन बनाने का मोटिव क्या था, स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना, ताकि स्टेट में किसी भी तरह से कल्चर लैंग्वेज को रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए। जैसे आपको पता है पहले इंडिया में 25 स्टेट्स थी, फिर 3 स्टेट्स और इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है, 26, 27, फिर 28, 28 स्टेट्स हो गई। तेलंगाना बनी, टोटल कितनी स्टेट्स हो गई फिर, 29। पर रिसेंटली आर्टिकल 370 के बाद जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट का जो स्टेटस दिया था वो खत्म कर दिया, उसको यूटी में बना दिया, अब कितनी स्टेट्स हैं, 28। तो ये सारा कौन डिसाइड करता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। क्लियर?